हमा घेणीसा, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो राजपूती ओढ़ना होता है उसको कैसे पहना जाता है, कैसे उसको पिनअप किया जाता है और किस तरीके से उसको ड्रैप किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगे या आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो आप ये जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ओढ़ना ओढ़ने के लिए ये देखना होगा कि गोटा होगा जिसको ज्वारे भी बोलते हैं, ये एक पूरे कॉर्नर पे लगा हुआ होगा। अपोजिट वाले कॉर्नर पे सिर्फ आधा ही लगा होगा। एज यू कैन सी कि आधे पे ना तो कोई वर्क है और ना ही ज्वारे लगे हुए हैं, तो मतलब ये वाला जो साइड है ये आएगा नीचे, मतलब यहाँ पे है। इसी सेम जो ये कॉर्नर है सेम ये वाला हमारे सर पे आएगा, तो इसको हमें लेना है राइट साइड के, राइट साइड से यू। ओके, तो ये जो पल्ला है हम देख रहे हैं, जो फ्री पल्ला है, ओके, इसमें कोई भी वर्क नहीं है, ठीक है। ये जो वर्क है जिसके ऊपर सिर्फ आधा ही वर्क आप देख रहे हैं और ये अटैचमेंट आप देख रहे हैं, ये कभी भी सर की तरफ नहीं आएगा, ये अटैचमेंट हमेशा आपके पैर पर लहंगे की साइड ही आएगा। ये जो आप ओढ़ने पर जो अटैचमेंट देख रहे हैं आप देख सकते हैं, ये जो हाफ वर्क है यहाँ पे जो वर्क खत्म हो रहा है, इसको सबसे पहले हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, फिर उसके बाद में ये ओढ़ना जो है हम इसको यहाँ पे कुर्ती के ऊपर पिनअप हो जाएगा। पिन लगाना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्योर जॉर्जेट फट जाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत दिन से ही जॉर्जेट टक कर रही हूँ, मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो आई थिंक इट्स सेफ। आप अपने घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। तो मैं इस पल्लू को यहाँ तक पे, जस्ट थोड़ा सा ऊपर तक यहाँ पे इसको टक करूँगी। मैंने ये बड़ी पिन ले ली है और ये जो कुर्ती के ऊपर ये जो स्लीव्स है यहाँ के अंदर से टक करना है। ध्यान रहे कि आप जो वर्क है उसके अंदर से टक करें, ताकि नहीं तो ये जो फ्री पल्लू है ये वर्क के बोझ से फट सकता है। इसको मैं टक करूँगी। हमारा ओढ़ना जो है ये फ्लो होता रहता है, हमेशा गिरता रहता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप ऐसे दुपट्टा कैरी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टक करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई रियली प्रेफर कि मैं यहाँ पे भी पिन कर लूँ, ताकि जो मेरा ओढ़ना है उसे मुझे बार बार संभालना ना पड़े। पहले तो मैं लेंथ ले लूँगी, किस लेंथ तक का मुझे इसको टक करना है। जैसे कि यहाँ तक मुझे इसे टक करना है, तो मैं इस लेंथ पे लूँगी और फिर इसको मैं ऐसे हाथ पे अपना लंबा लेके वर्क की तरफ से यू फोल्ड करना स्टार्ट करूंगी। इट्स सो इजी, जरूरी नहीं है कि आप एकदम परफेक्टली इसको टक करें, एकदम मैसी भी चलेगा। ध्यान रहे कि पिनअप करते वक्त आपका सर पे, अगर आप घूंघट लेने वाले हैं तो घूंघट करके ले, या फिर ओढ़ना सर पे लेने वाले हैं तो सर पे ओढ़ना लेके ले, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको भी मैं बड़ी पिन की हेल्प से ही टक करूंगी। पल्लू लगाने के लिए हमें पल्लू है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हाफ वर्क ही है और इसको मैंने ऑलरेडी साइड से टक कर रखा था, तो एक बार मैं इसको निकाल दूंगी सो दैट कि मैं अच्छे से प्लीट्स बना पाऊँ। ओके, वहाँ से एग्जैक्टली इसको हाफ कर लीजिए, इन कर लीजिए, देन इसको हम यहाँ से हल्का सा थोड़ी थोड़ी प्लीट्स देते हुए स्टार्ट करेंगे और जहाँ ये वर्क है बस यहाँ पे इस जगह पे इस प्लीट्स को ख़त्म कर देंगे और फिर अंदर लहंगे की हेल्प लहंगे के अंदर इन कर देंगे। ये वर्क है, ये कहीं से भी मुड़ा हुआ नहीं है, एकदम साफ साफ नजर आ रहा है आपको। तो हमने ये तो देख लिया है कि हमारा जो ओढ़ना है उसको हम कंधे पे और लहंगे पे कैसे प्लीट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे हम पिंस की हेल्प से हमारे सर के ऊपर ओढ़ने को अच्छे से ले सकते हैं। अगर आप पीहर पे हैं और आपको घूंघट नहीं करनी और आपकी जो ओढ़नी है उसमें ज्यादा वर्क नहीं है, आपके सर पे टिक नहीं रही है, बार बार गिर रही है, तो ये जो पिंस आती है मार्केट में आप देख सकते हैं, जो आपकी टिप है इसकी काफी शार्प है, तो ये आपके जो ओढ़ना है उसको अच्छे से होल्ड करके रखेगी। आपका हैवी वर्क है तो उसके जस्ट पीछे यहाँ पे इसको पिन कर दीजिए। तो
अभी जो आपका ओढ़ना है ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, छोटा आपका ओढ़ना बार बार में गिर रहा है और आप उठा नहीं पा रहे हैं, तो ये जो ट्रिक है आपकी काफी हेल्प करेगी। दूसरी चीज, आई रियली लाइक दैट कि ये जो मेरा ओढ़ना है ये यहीं पे ऐसा टिका रहे, तो मैं पसंद करती हूँ कि मैं अपने आप को यहाँ पे भी एक पिन लगा दूँ ताकि जो है मेरा ओढ़ना एकदम सेट रहे ऑल द टाइम। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो इट्स ऑल योर विश, बट मुझे यहाँ पे पिन लगाना काफी पसंद है, तो हियर आई एम अप्लाइंग दिस पिन। आई होप कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ प्रेस दिस लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग खमा खनीसा एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो।